मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं इमरान। टीकमगढ़ जिले में आज फिर हुआ कोरोना विस्फोट। कल 33 और आज 17 की हुई पुष्टि। टीकमगढ़ जिले में 33 मरीजों की कल हुई थी पुष्टि और आज 17 लोगों की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। अब तक कुल 50 कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं। जिला कलेक्टर सुभाष कुमार द्विवेदी ने अपील की हमें इस विषम परिस्थिति में घबराने की आवश्यकता नहीं है, सावधानी बरतने की आवश्यकता है। निरंतर जिले में पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ने से जनता में भय का माहौल बनने लगा है। 5 जनवरी को भेजे गए सैंपल में से अब तक 50 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव गई है, जिसमें जतारा, बलदेवगढ़, पलेरा आदि तहसीलों के यह लोग कोरोना संक्रमित पाए गए, जिनमें सभी युवा बताए जा रहे। लगभग 2000 सैंपल भेजे गए, जिनमें से शेष रिपोर्ट है आना अभी बाकी है, जो अभी सभी के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। टीकमगढ़ से MP7 न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, सुरेंद्र सिंह परमार। आज अभी टोटल तो वैसे 33 हमारे पोर्टल में यहाँ डले हैं। उस 33 में से 2 जो है छतरपुर के हैं और 1 निवाड़ी का है, तो इनको अगर हटा देते तो 30 जो है ना टीकमगढ़ जिले में है। 30 में 11 जतारा है और 11 पलेरा ब्लॉक में है, एवं 8 जो है यहाँ बलदेवगढ़ ब्लॉक में है। और इनकी जो है टीमें गई हुई हैं, तो उनकी उनके जो सिम्टम्स हैं है ना, उनके सिम्टम्स के आधार पर उनको जो है ना होम आइसोलेशन या जो है कोविड केयर सेंटर में रखा जाएगा। अभी कितनी जांचें हैं सर और आने वाली? अभी देखते हैं 6 बजे तक और कितनी रिपोर्टें आती हैं। अभी कितनी गई लगभग सर जांचें? जांचें तो हम प्रतिदिन जो है ना 700 के ऊपर ही जारी है, डेली की डेली RT-PCR। सर प्रशासन की तरफ से क्या सख्ती होगी? सर प्रशासन की तरफ से सख्ती की जा रही है, उनको जैसे बैरिकेड्स वगैरह उनके घरों में लगाए जा रहे हैं उनको, है ना, और साथ में जो है उनको अगर होम आइसोलेट किए जाएंगे तो उनको भी जो है ना उनके परिजनों को जो है ना वो रखा जाए सेपरेट। साथ में जो है ना हम भी अपनी तरफ से मॉनिटरिंग वगैरह कराएंगे कि वो जो है ना यदि हमारे कोविड केयर सेंटर में रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर होम आइसोलेट रहते हैं तो उनकी मॉनिटरिंग भी हमको डेली करना पड़ेगी और उनको जो है ना दूसरे लोगों से सेपरेट भी रखना पड़ेगा। शासन की तरफ से भी जो है ना रोको टोको अभियान चलाए जा रहे हैं, जहाँ जो भी लोग बिना मास्क के हैं तो उनको जुर्माना किया जा रहा है और उनके जो है ना ऐसे जो है ना पॉइंट के आधार पर हम उनके सैंपलिंग भी करा रहे हैं।